वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ केके एंड ये मेरी बाइक है अब गैरेज में। मेरी बाइक जब 80 या 90 के ऊपर जाती है तो पिकअप छोड़ रही थी एंड ऐसे लग रहा था कि पेट्रोल का सप्लाई नहीं हो रहा है या फिर स्पार्क प्लग में कोई इशू है। तो मैंने स्पार्क प्लग नए डाले हैं एंड इसका जो इग्निशन सिस्टम है वो भी अच्छा ही है। सो मैं सस्पेक्ट किया कि कार्बोरेटर में कुछ ख़राबी हो गई, तो मैं अभी मेरा कार्बोरेटर बाइक का खुलवा रहा हूँ एंड देखते हैं उसके बाद क्या निकलता है। सो नाउ वी आर रिमूविंग कार्बोरेटर फ्रॉम बाइक। 3 साल के बाद मैं बाइक का कार्बोरेटर खुलवा रहा हूँ एंड आई एम श्योर कि पक्का कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। कार्बोरेटर खोलने के बाद जो देखा, उसका जो पिस्टन था अंदर का वो घिस गया है एंड उसका जो बॉडी है, मतलब जो कार्बोरेटर का अंदर का बॉडी है वो भी घिस गया। कार्बोरेटर के अंदर का ये पिस्टन एक साइड से घिस गया है। ये पिस्टन जो है ये कार्बोरेटर के बॉडी के अंदर, इसके अंदर ऊपर नीचे होता है एंड इसकी बॉडी भी अंदर से घिस गई है, मतलब ये भी डैमेज है। ये देखिए, मुझे लग रहा है कि मुझे नया कार्बोरेटर ही डालना पड़ेगा, बट अभी के लिए तो मैं सिर्फ इस कार्बोरेटर को क्लीन करा के यूज़ करूँगा, टेस्ट करूँगा रोड पे। अगर ये काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे वैसे भी नया कार्बोरेटर डालना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट है अराउंड 2500 रुपीज़ एंड ओनली अगर पिस्टन अगर मैं डालता हूँ तो उसकी कॉस्ट है 990 रुपीज़, मतलब अराउंड 1000 रुपीज़। बट अगर मैं नया पिस्टन भी डालूँगा तो उसका जो अंदर का बॉडी है वो तो ऑलरेडी डैमेज है, तो नया पिस्टन डाल के कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं, अभी कार्बोरेटर क्लीन करके उसको मैं टेस्ट करूँगा। इस पिस्टन को क्लीन करवा के उसे थोड़ा ऑयल लगा दिया गया है ताकि थोड़ा फ्रिक्शन कम हो और जिस तरीके से वो घिस गया था उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाए। सो अभी मेरा कार्बोरेटर रेडी है। बहुत अच्छे से क्लीन किया है इसे एंड ये अभी बाइक में लगा दिया है कार्बोरेटर। अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ। ये बाइक स्टार्ट हुआ और एक ही स्टार्टर में ये बाइक स्टार्ट हुआ। नाइस। मेरा बाइक का टेस्टिंग करके हो गया है। 10 किलोमीटर मैंने बाइक चलाया अराउंड 80 या 90 के स्पीड पे एंड अभी लग रहा है कि प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो गया है, बट मैं जानता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। आगे चल के मुझे जो है मेरा जो कार्बोरेटर है वो चेंज करना पड़ेगा, बट अभी के लिए चल जाएगा लोकल के लिए। लॉन्ग राइड्स पे जाने के लिए शायद मैं कार्बोरेटर को चेंज भी कर सकता हूँ। सो चलिए, अगर आपके बाइक में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है हाई स्पीड पे, अगर आपका बाइक पिकअप छोड़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि आपको कि पेट्रोल का सप्लाई नहीं आ रहा है, सो इधर आप अपने स्पार्क प्लग्स जो है उनको चेक करो या फिर चेंज करो एंड अपना जो कार्बोरेटर है उसको क्लीन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, होप गुड एंड बाय।